जो सुख घर में तीजा सुख सुनी छिड़ नारी चौथा सुख सुतारी पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख घर में होए माया और तीजा सुख सुलिछड़ नारी और चौथा सुख सुत आज्ञा कर। और जिसके पास में चारों सुख है उसके पास फिर किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। लेकिन हरिश्चंद्र के पास ये चारों सुख है इसलिए उनकी चर्चा स्वर्ग में हो रही है। एक दिन श्री ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ऋषि संत बैठे हैं, सभी देवता बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा है वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र से, देवताओं से, हमें ये बताओ इस समय मृत लोक में ऐसा कौन सा राजा है जिसके यश की चर्चा इस स्वर्ग में की जाए। वो हमारा शिष्य है विश्वामित्र, आप बताइए। वो हमारा शिष्य है महाराज। विश्वामित्र कहने लगे महाराज हमारी दृष्टि में ऐसा कोई राजा नहीं है कि जिसके यश की चर्चाएं स्वर्ग में बैठकर के। वशिष्ठ जी से पूछा वशिष्ठ आप बताओ तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है। उस समय हरिश्चंद्र महाराज ने एकाएक मुंह से कह दिया हाँ मेरी नजर में एक राजा ऐसा है। बोले कौन है तो बताया कि हरिश्चंद्र।